व्यवसाय के स्तर से बात करें तो सबसे बड़ा मार्केट माना जाता है लकड़ी नबीगंज प्रखंड में 11 पंचायत है। सबसे बड़े एक व्यवसायिक प्रतिष्ठान केंद्र के तरह से माना जाए तो मदारपुर बहुत बड़ा एक मार्केट है। दूर दराज से लोग यहाँ पे मार्केट करने आते हैं, शादी विवाह हो कि अन्य किसी प्रकार का समारोह हो, यहाँ पे सभी चीजों का विधि व्यवस्था है, प्रतिष्ठान है। इसी क्रम में मंदिर का जिक्र किया जाए तो काफी मंदिर पुराना है, काफी भक्तों से यहाँ पे कमी थी कि सुलभ शौचालय का जो मांग हमेशा से जनप्रतिनिधियों से यहाँ के पंचायत के लोग करते आ रहे हैं वो अभी तक मांग पूरा नहीं हुआ था। उस मांग को निश्चित रूप से एक विल पावर जो कहा जाता है, इच्छा शक्ति एक प्रतिनिधि का, उन्होंने निश्चित रूप से प्रस्तुत किया है, जिनका नाम है रमेश कुमार सिंह, जिला परिषद 37 सदस्य हैं और ये स्पॉट पे हैं। काफी बढ़िया विजुअल आप सभी को दिखाई देता होगा, कितना सुंदर ढंग से अच्छे बजट से यहाँ पे सुलभ शौचालय का निर्माण किया गया है। तो रमेश सिंह जी से इन सभी कार्यों को लेकर विस्तार रूप से हम बात करेंगे, कितना ज्यादा संघर्ष इस कार्य को करने में आपको लगा, सबसे पहले आपका स्वागत करना चाहेंगे। जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने बताया कि इस प्रखंड का सबसे बड़ा मार्केट है और काफ़ी महिलाएं आती हैं मार्केटिंग के लिए, पुरुष भी आते हैं, कई गांव के अगल बगल लगभग 20-25 किलोमीटर के लोग आते हैं। लेकिन उनका हमेशा ये शिकायत रहता था कि इतना बड़ा मार्केट है लेकिन कहीं पर भी सुलभ शौचालय की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे मंदिर में जैसे शादी वादी का कोई कार्यक्रम होता था, किसी महिला को बाथरूम जाना हुआ तो दो महिला उनको घेरती थी, इस प्रकार की सिचुएशन थी। तो मैं अपने जिला परिषद विभाग में लिख के दिया और वहाँ से अनुमति मिला। आपको भी मैं पत्रकार के नाते कह रहा हूँ कि आपको भी कुछ कमियाँ दिखती हैं तो आप हमें ऑन कैमरा बताइए कि शौचालय के बनने में कहीं पर भी कोताही अगर ऐसी की गई हो, कुछ पैसे का बचत किया गया हो तो आप मुझे बताइए, ऑन कैमरा मैं बोल रहा हूँ, आप और बाकी सरपंच साहब बताएंगे। और अभी तो जो लेखा जोखा है बहरहाल जो दिखाई दे रहा है वर्तमान में, इसमें किसी प्रकार की कमी नहीं है। इतना ज्यादा विल पावर रमेश कुमार सिंह जी, अन्य कई सारे जनप्रतिनिधि भी हैं जिला में, देखने को मिलता है सोशल मीडिया के माध्यम से या फिजिकली लोग से संपर्क करते हैं, क्षेत्र में जाते हैं, मीडिया है, इस संबंध में हम बातें कर रहे हैं। आपके अंदर ये इच्छा शक्ति कैसे आता है, लगभग 16वां 17वां काम है जिला परिषद मद से आपने कराया है। देखिए मेरा ये सोच रहता है कि जो मैं काम कराऊं वो टिकाऊ हो, वो काफी दिन तक चले और मजबूती से करूं, बस मेरा मकसद यही रहता है। उसमें पैसा कमाना मेरा मकसद नहीं रहता है और पहले भी नहीं था। जो सरकार का पैसा है जो लगना है वो 100% लग। हमारे साथ लखनौड़ा पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि विनोद कुमार सिंह जी हैं, पेशे से वकील भी हैं, इनसे भी दो टुक बातें करेंगे इस संबंध में। सरपंच साहब आप क्या कहना चाहिए अगर रमेश सिंह के इस पहल को और कार्यों को? बहुत सराहनीय कार्य है रमेश बाबू को, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद इनको, चूँकि यहाँ के स्थानीय इस मार्केट में बहुत दिनों से इसकी प्रतीक्षा थी कि कौन जनप्रतिनिधि आएगा जो यह जो एक ज्वलंत समस्या है जो शौचालय की, ये बहुत बड़ी समस्या थी यहाँ इस मार्केट की कि यहाँ पर मान ली मंदिर प्रांगण है, किशनपुरा राम जानकी मंदिर प्रांगण जो है, इसमें देखा देखी का काम होता है, बहुत से वैवाहिक कार्य भी होते हैं और उसमें महिलाएं काफ़ी संख्या में आती हैं तो महिलाओं को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। वैसे मार्केट में भी महिलाएं आती हैं जहाँ कोई स्थान नहीं है उनके शौच के लिए या अन्य के लिए, तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर एक ज़रूरी था कि यहाँ पर एक शौचालय का निर्माण कराया जाए, जिसके लिए रमेश कुमार सिंह ने पहल किया और बहुत ही अच्छा कार्य कराया है, इसके लिए इनको पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सरपंच होने के नाते विशेषकर अपने पंचायत के लोगों से क्या रिक्वेस्ट करना चाहिएगा? एक फोन है, नॉर्मल सा बात करें तो उसको कवर लगा के ना रखें, उस पर टच लगा के ना रखें तो गिर जाता है तो टच फूट जाता है, कवर ना रखें तो स्क्रेच हो जाता है। उस तरह से एक बड़ा निर्माण कर देना ही मामूली बात नहीं होता, उसका मेंटेनेंस करना बहुत बड़ी एक बात होती है, तो इसके लिए अपने पंचायत वासियों से क्या रिक्वेस्ट करना चाहिएगा? मैं अपने सभी पंचायत वासियों और दूर दराज से आने वाले सभी लोगों से यह आग्रह करता हूँ कि ये शौचालय बना है आपके सुविधा के लिए बना है, आपके उपयोग के लिए बना है, आप इसका उपयोग करें। इसके लिए मित्र जो निर्धारित शुल्क रखा गया है साफ सफाई के लिए, उसका उसको आप पे करें और इसमें साफ सफाई में सहयोग करें। और रमेश कुमार सिंह जी एक छोटा सा सवाल आपसे कि जो रेट अप्लाई हो रहा है
शौच के लिए या अन्य जो भी प्रतिक्रिया इसमें लोग करेंगे उसके लिए ऑफिशियली अनाउंसमेंट है कि अपने तरफ से लोगों पे कर लगाया जा रहा है? नहीं, सरकार के तरफ से शुल्क का कोई प्रावधान नहीं है और ना ही रख रखा। वही सवाल हमने किया, लेकिन यहाँ आम सभा अभी किया गया जिसमें अभी थोड़ा आप लेट आए, बहुत सारे क्षेत्र के गणमान्य लोग जनप्रतिनिधि भी आए थे, उन लोगों के द्वारा ये तय किया गया। उनको मैं अभी उद्घाटन के समय में लिक्विड बाल्टी मग्गा ब्रश अभी उनको दिया गया है। मनोजर प्रसाद यादव जी, लखनौरा पंचायत के पूर्व BDC सदस्य हैं, आप क्या कहना चाहिएगा? रमेश कुमार सिंह जी को पर्सनली जानते हैं, इनका राजनीतिक और फीडबैक छोड़ दिया जाए तो पहली बार निर्वाचित होने के बाद जो काम इनके क्षेत्र में जिला परिषद 37 में निरंतर हो रहा है उसको लेकर आप क्या कहना चाहिएगा? आपके चैनल को पहले धन्यवाद ज्ञापन करते हैं और रमेश बाबू 37 जिला परिषद जो काम किए हैं ये काम 20 वर्षों से कोई MP MLA ने यहाँ नहीं किया। किसी जनप्रतिनिधि के दिमाग में ये बात नहीं बैठा कि राम जानकी मंदिर किशनपुरा मदारपुर में दूर दराज से लोग शादी विवाह के लिए आते हैं, देखा सुनी के लिए आते हैं और मांगलिक कार्यक्रम के लिए आते हैं, वो लोग सोच के लिए कहाँ जाएंगे, किसी ने नहीं सोचा। मैं उनके सोच को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने यहाँ तक सोचा और सोचकर आज धरातल पर उसको उतार दिए जिससे आम जनता को इसका सुख मिलेगा। और किस चीज की कमी रह गई है आपके नजर में इस मंदिर के प्रांगण में, किस चीज की कमी रह गई है? रिक्वेस्ट कीजिए रमेश कुमार सिंह जी से या निर्देश कीजिए, आप उनके बड़े भाई की तरह हैं तो क्या कहना चाहिए जिला परिषद महोदय जी? हम जिला परिषद महोदय से कहेंगे कि एक बार और कुछ समय भी लगे तो लगे, एक फंडिंग से सुखता वाला इंतजाम और एक सीट गिरवाने का काम कर दें ताकि ये देखने में और अच्छा लगे, अनुशंसा कर दे बस यही हम चाहेंगे उनसे, यही मेरी अपेक्षा है उनसे। इतना अच्छा व्यवस्था आज लेना रहा व्यवस्था रमेश भैया कहले बनी तो क्या कहे? बहुत अच्छा काम कहले बनी, बहुत अच्छा। कितना लोग आये, कितना लोग गए, कोई ना कुछ कहले बाकी वहाँ का धन्यवाद हम कह। राउड नौकरी का तरह लाग गई, राउड जिम्मेदारी भी हो गई, लेकर अच्छा से रख, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बढ़िया से रखे हम। हाँ बढ़िया से रखा, कोनो खर्च ना होवे के चाहिए, ना कोनो खर्च ना है। विशेष कर बात करें तो महिलाओं के लिए ही बनाया गया है, उधर पुरुष के लिए बनाया गया है। आप लोग निश्चित रूप से पढ़ सकते हैं कि रमेश कुमार सिंह के द्वारा ये निर्माण कराया गया है, कितना सुंदर दिखने में लग रहा है। और आपकी भी जिम्मेवारी है कि सुंदर चीज को सुंदर तरीके से आप लोग संजो कर रखें, तभी वो सुंदर भविष्य में रह सकता है।